नमस्कार दोस्तों, आज एक फिर नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश कुमार वाडिया और आप देख रहे हो वाडिया बाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम उतरने वाले हैं ज़मीन के अंदर 135 फुट कुएं के अंदर और देखने वाले हैं कि वहां पे क्या क्या है। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक में और देखेंगे ज़मीन की 135 फुट की गहराई में जाकर। देखिए यह है कुआं और हम जा रहे हैं अंदर। देखिए ये ऊपर का नजारा है, मैं काफी गहराई में पहुंच चुका हूँ। चारों तरफ घूम के फिर से जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंधेरा भी है और काफी मलबा भी पड़ा है और मेरे साथ है भरत भाई। दोस्तों, ये खड्डे में पानी और ये पानी का पैरल भर के जा रहा है ऊपर। देखिए दोस्तों, ऊपर भी कुछ नहीं सीखा। तो दोस्तों, पानी न होने की वजह से यहाँ पे कुएं की खुदाई चल रही है और 135 फुट ये कुआ है और यहाँ पे उजाला है, ठंड भी अच्छी है, आप देख पा रहे हो। दोस्तों, इस गहराई में अगर नेटवर्क की बात करें तो एक पॉइंट नेटवर्क आ रहा है, यानी कि कॉलिंग पे बात हो सकती है, ऐसा नहीं है। बाकी सब ये ब्लास्टिंग की वजह से यहाँ पे मलबा पड़ा है और क्या कहता हूँ दोस्तों, हर एक काम का हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो आज मैं इस कुएं में काम करने वाला हूँ क्योंकि आज थी छुट्टी, तो मैंने सोचा कि चलो इसका भी थोड़ा सा अंदाज ले लें कि कैसे काम होता है कैसे नहीं। दोस्तों, पसीना छूट रहा है यहाँ पे, ठंड है मगर पसीना छूट रहा है। फिर एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देखिए। आवाज़ दियो।
जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी यहाँ पे कंप्रेसर चल रहा था और इसके अंदर बोरिंग हो रहा था। अब इसके अंदर ब्लास्टिंग मटेरियल भरा जाएगा और फिर ब्लास्ट किया जाएगा और ये जो पत्थर है उनको तोड़ा जाएगा। दोस्तों हम हैं 135 फुट कुएं के अंदर और यहाँ पे ये चल रहा है लेबर वर्क। दोस्तों काफ़ी ये जोखिमी है, इसमें यहाँ से पत्थर उठा के बाहर तक ले जाना पड़ता है। इसके लिए ये खटोले का यूज़ किया जाता है, मगर इसमें से कब पत्थर गिर जाए हमारे पर उसका कोई अंदाज नहीं है, इसलिए ये बहुत रिस्की है, जोखिमी है। और काफ़ी मजदूर ये काम करते हैं अपनी जान को हथेली में लेकर। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, में आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या होता है। दोस्तों तो ये होल के अंदर ये जो है ब्लास्टिंग मटेरियल है उनको उस में भरा जाएगा इस तरीके से। और इन जो ये वायर आपको दिख रहे हो, ब्लास्टिंग मटेरियल अंदर डाल दिया गया है और इन वायरों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा और फिर इसमें ऊपर से ब्लास्ट किया जाएगा। आप देख पा रहे हो दोस्तों, और अब हम चल पड़े हैं ऊपर की ओर क्योंकि अब करने वाले हैं ब्लास्ट। और ब्लास्ट होने के बाद अंदर जो भी मटेरियल टूट कर आएगा उनको इस खटोले के द्वारा निकाला जाएगा। तो आप देख पा रहे हो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं अभी 135 फुट बाहर कुएं के बाहर। यह है खटोला और खटोले में बैठकर हम जा रहे हैं ऊपर, आप देख पा रहे हो। और अब हम आ चुके हैं ऊपर, देखिए दोस्तों ये ब्लास्टिंग करने के बाद जो भी मलबा बिखर जाता है उनको इस खटोले के द्वारा बाहर निकाला जाता है। आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हो, ये है अभी भाई और ये चला रहे वो लिप मशीन जो ऊपर नीचे ले जाती है, और इसमें लगा है ये रस्सा और इसके साथ ये खंभा, और ये एक लड़का है वो इसको यहाँ से पकड़ के खड़ा है खटोले को। अब ये खटोला जा रहा है अंदर और अंदर एक आदमी है वो अब आएगा बाहर, देखिए। अब ये खटोला कुएं के अंदर जा रहा है, आप देख पा रहे हो एक मशीन के जरिए उसमें एक रस्सा लगा है और उस रस्से के जरिए ये आगे पीछे होता रहता है, साथ में इसके गियर लगे हुए आप देख पा रहे हो। फिर एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको कुएं के अंदर, देखिए खटोला जा रहा है अंदर और अंदर जो आदमी है वो अब इसमें बैठ के बाहर आएगा, देखिए ये अब पहुँचने वाला है खटोला। यहाँ पे ये जो लोखन की रस्सी है वो ख़त्म हो रही है और ये पहुँच गया है खटोला। यहाँ पे ब्रेक लगा कर और फिर से ये स्टार्ट कर दिया गया है। अब ये खटोला ऊपर आ रहा है, आप देख पा रहे हो, मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा एकदम नज़दीक से। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा और आपके प्यारे प्यारे कमेंट मुझे कमेंट करते रहिएगा। अभी जो अंदर एक आदमी बचा है वो अभी खटोले के साथ बाहर आएगा। दोस्तों ये काम बहुत ही रिस्की है और काफ़ी मेहनत वाला भी है, और लोग ये काम कुछ काम न मिलने की वजह से ये काम भी कर लेते हैं। देखिए ये आ गए हैं बाहर, अब इनको यहाँ से यहाँ पर उतारा जाएगा। और देखिए कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखिए ये लगा दिया गया है वायर और अंदर लगा दी गई है मैग्नेट, और अभी होने वाला है धमाका। बने रहिए मेरे साथ। और ये कोई भी पत्थर उड़ के बाहर ना निकले इसलिए ये लगा रहे जाली,
ताकि अंदर जो धमाका हो उसका कोई भी पत्थर आके ऊपर की साइड गिर के किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। तो दोस्तों, ये आसपास में जो लोग थे उन सभी को इत्तला कर दिया गया है कि भाई ब्लास्टिंग होने वाला है, आप सब दूर चले जाए। उस साइड पे देखिए, ये बच्चे औरत सब को भगा दिया गया है। और यहाँ से देखिए, ये ब्लास्टिंग होने वाला है। अब बने रहिएगा मेरे साथ, यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रही है और ये दबाया बटन। क्या हो गया भाई, काकरा आई आई बात भाई, जो अब मुझे भाई वो बहुत ज़्यादा बात हूँ क्यों यार। ये दीवार के ऊपर और ये आप देख पा रहे हो, ब्लास्टिंग हो चुका है। अब कोई परेशानी नहीं, अब हम चलते हैं कुएं की ओर, देखते हैं क्या हुआ है धमाके में। देखिए, जाली को पूरी तरह अंदर घुसर दिया है। गैस ही गैस है, कुछ भी नहीं दिख रहा है।